हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज के दिन जोकर से रिलेटेड काफी कमाल की रिपोर्ट आई है जिसको जानकर आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, और उसी के साथ बात करूंगा वीडियो की एंडिंग में काफी सारे ओटीटी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में जो की है जोकर से रिलेटेड। काफी टाइम पहले एक अपडेट आया था कि ऑफिशियली ब्लू रे में 4K में जोकर हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज होगी, पर ये मूवी रिलीज नहीं हुई ना ही डब हुई। क्यों? इसका रीजन क्या था कि किसी ने इसके राइट्स नहीं खरीदे, और अब फाइनली जब किसी ने इसके राइट्स खरीद लिए हैं तो इंडियन सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट दिया ए। अब जिसने राइट्स खरीदी थी उनका मानना यह था कि इसे ए सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए था, इसको देना था यू या यूए। अब यू होता है यूनिवर्सल और यूए होता है आपका कि आप टीवी पे इसे लॉन्च कर सकते हो डबिंग के साथ। अब सेंसर बोर्ड ने ये फाइनल डिसाइड करा कि इसमें कुछ ऐसे सीन है और ये मूवी थोड़ा भड़काती है, तो इसे सिर्फ 18 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं जिसको ए सर्टिफिकेट दिया गया। तो फाइनली अब कंपनी जिसने इसके राइट्स खरीदे हैं उन्होंने केस करा है सेंसर बोर्ड पर कि इसे यू सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर यूए सर्टिफिकेट दिया, जिससे कि ये टीवी पर टेलीकास्ट करी जाए इजीली, कोई भी दिक्कत ना हो, और देन उसी के साथ इसे हिंदी में डब करा जाए। तो गाइस जो भी रिलेटिव अपडेट होगा इसका अपकमिंग वो आपको मैं बता दूंगा, फिलहाल राइट्स के चक्कर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए बात करते हैं ओटीटी अपडेट्स के बारे में। तो स्पंजबॉब नेटफ्लिक्स पे हिंदी में आ चुकी है और स्पंजबॉब रन भी आ चुकी है, तो गाइस देखिएगा जरूर। उसी के साथ एक्समैन डार्क फिनिक्स हिंदी तमिल तेलुगु में डिज्नी प्लस हॉटस्टार और वीआईपी पे दोनों पे आ चुकी है, तो गाइस जाके देखो। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो एमएक्स प्लेयर पे द स्ट्रेंजर आ चुकी है जो कि हॉरर और एक ड्रामा है जिसमें कि काफी ज्यादा खून खच्चर दिखाए गए हैं, तो उसको भी जरूर देखना। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की अपकमिंग टीवी सीरीज वांडा विजन। इसका फर्स्ट एपिसोड आपको दिसंबर को देखने को मिलेगा और रूमर्स ये आ रहे हैं कि बाकी के एपिसोड आपको 2021 में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगला अपडेट है कि आपको 7 तारीख को स्टार वॉर्स की हॉलीडे स्पेशल टीवी सीरीज देखने को मिलेगी, तो काफी कमाल की और फनी होती है, पर इंग्लिश में देखने को मिलेगी। अनहाइट आपको टाटा स्काई जी प्लस डिश टीवी पे और एयरटेल पे देखने को मिल जाएगी इसी फ्राइडे यानी कि कल के दिन, तो गाइस देखिएगा जरूर। और न्यू मिटेंट से रिलेटेड अपडेट ये है कि ये हिंदी में डब हो रही है, और देन जैसे ही कोई रिलीजिंग डेट का अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो टेंट फाइनली 15 दिसंबर को आपको 4K ब्लू रे में देखने को मिल जाएगी, और अपडेट ये है कि ये थिएटर में रिलीज होने से पहले 4K में आपको हिंदी में तमिल तेलुगु में भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं एक और बेहतरीन अपडेट के बारे में जो कि है डिज्नी का शेड्यूल। तो फाइनली डिज्नी ने अपनी अपकमिंग सारी मूवीज 2028 तक की सबकी रिलीजिंग डेट में कुछ चेंजेस करे हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो जिसमें कि द इंटरनल्स, ब्लैक विडो और भी जो अपकमिंग मूवीज हैं जिसमें कि स्टार वॉर्स भी हैं, अवतार भी है, तो गाइस सबके सब रिलीजिंग डेट को अपडेट करा गया है। तो अगर आपको वो सारे देखने हैं फुल शेड्यूल तो आप देख सकते हो। और रेड सन सुपरमैन की जो बेहतरीन मूवी है एनिमेशन आपको 13 नवंबर को प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी इन इंग्लिश, तो हिंदी का कोई अपडेट अभी नहीं है। और फाइनली नेटफ्लिक्स ने कंफर्म कर दिया अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा और ये सीजन डेवलपमेंट में है। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। उसी के साथ अगर आपको ओटीटी अपडेट पसंद है और सुपर फास्ट अपडेट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।